गलत रिजल्ट का दावा मत करना, मत करना। लेकिन हमारे मंजन सर नहीं माने, पिछली बार विजर्ड सर नहीं माने, इस बार मंजन सर नहीं माने। ये देखिए इन्होंने जो रिजल्ट का दावा किया, एक तो सबसे पहले रैंक 2, रैंक 16। आप उन रिजल्ट्स का दावा कर रहे हैं जिन्होंने आपका नाम तक कहीं नहीं लिया। उसके बाद जरा देखिए इस बार इनके टाइपिस्ट का नौकरी जाएगी। जरा देखिए रिपीटेशन, कितने रिजल्ट रिपीट किए इन्होंने, और इन्होंने लास्ट में जो रिजल्ट दिखाया है कुल मिला के वो 132 दिखाया है, लेकिन नीचे लिखा है थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका 132 आपके मैथ्स के अनुसार जो आप पढ़ाते हो उसके थाउजेंड्स के बराबर होता है। कमाल है। बात करना पड़ेगा इस बार रंजन सर से। ए रंजन सर, इधर आइए। ये हमेशा गेटअप में क्यों रहते हो आप? वैसे है ना मैम, इस गेटअप से गांव के भोले वाले बच्चे हमसे कनेक्ट होते हैं, फिर इनको मूर्ख बनाना बेहद आसान होता है। अच्छा ये बताओ तो फिर वो जो वर्दी वाला गेटअप ज्वाइनिंग किया? नहीं मैम। ज्वाइनिंग नहीं किया तो वर्दी कैसे पहन लेते हो? क्या है ना मैम, बच्चे के वर्दी के सपने बेचने के बाद कोर्स बेचना हमारे लिए बहुत आसान होता है। बच्चे के वर्दी के सपने बेचने के बाद कोर्स बेचना हमारे लिए बहुत आसान होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम रिपीट रिपीट अपने रिजल्ट किए हो काहे रे, काहे कियो? मैडम वो है ना, हमें ज्यादा रिजल्ट दिखाना था। अच्छा ज्यादा रिजल्ट दिखाना था, लेकिन एक बात बताओ ये रिजल्ट भी तुम्हारे नहीं है, कहाँ से लाया रे ये सब नंबर? मैम वो क्या करे, हमारे पास रिजल्ट ही नहीं था तो हमने एक दिमाग लगाया, हमने सोचा कि चलो सारे वाला डाटा ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सारे वाला डाटा ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा बच्चों का जो डेटा लिया था सर्वे करने के लिए, सर्वे करने के बदले में उनमें से रिजल्ट खोज कर कॉपी पेस्ट मार दिया। एक बात बताओ काहे रे? क्या कह रहे मैम, गंदाई पर धंधा ये, गंदाई पर धंधा ये। और ये क्या रे, ये क्या, ये रैंक 2 कहां से तेरा रैंक 2, इसमें तो तेरा नाम भी नहीं लिया। ए रैंक 2 इधर आ। ये मैं हूँ, ये मेरी रैंक 2 है, आप कौन भैया? ये कौन, इसको तुमने अपना रिजल्ट दे दिया, ये कह रहे इसने तुम्हें पढ़ाया है। ओ ये तो रील वाले भैया हैं, एक बार मैं कच्चा बादाम देख रहा था उसमें 2 रील आ गई इनकी, तो तभी से तो जानता हूँ ये रील वाले भैया हैं। 24 घंटे में 48 घंटे पढ़ने वाला रील देखता है तू, है क्या है ये? वो क्या है ना मैम, कच्चा बादाम देखते देखते स्क्रॉल करने पे मेरा रील आ जाता है, इससे बच्चे मुझे पहचानने लगे।